देखिए, ये जो नौकरी के बदले जमीन घोटाले का जो मामला है, इसको सबसे पहले जनता दल यू के आज के जो अध्यक्ष हैं श्री ललन सिंह, शिवानंद तिवारी, इन लोगों ने इस मामले को उजागर किया था 2007 में, जब लालू यादव रेल मंत्री थे, यूपी की सरकार थी। तो ललन सिंह और शरद यादव, ये लोग मिलने गए थे मनमोहन सिंह से, उनको ज्ञापन दिया था कि लालू यादव रेल मंत्री रहते हुए बड़ी संख्या में लोगों को नौकरी के बदले जमीन लिखवा रहे हैं और गैरकानूनी तरीके से ग्रुप डी की नौकरियां लोगों को दे रहे हैं, जबलपुर में, मुंबई में, जयपुर में, अन्य हाजीपुर में। और उसी मामले को जो इन लोगों ने उजागर किया था जनता दल के नेताओं ने, उसी की जाँच पड़ताल करने के बाद CBI ने पहले FIR दर्ज किया, अब चार्जशीट फाइल की है। तो जनता दल यू के नेता अब उनके बचाव में खड़े हैं। तो जिन लोगों ने कागज उपलब्ध कराया, जो लोग आरोप लगा रहे थे, जो लोग कह रहे थे कि CBI क्यों शिथिल है, कहीं BJP वाले RJD से मिल तो नहीं गए, अब वही लोग हल्ला कर रहे हैं कि फंसा दिया गया। तो जो आरोप है उसका जवाब दे जनता दल यू के लोग, RJD के लोग, कि क्या नौकरी के बदले जमीन लिखवाई गई कि नहीं लिखवाई गई, हेमा यादव को किसने गिफ्ट किया जमीन, क्योंकि रेलवे का कर्मचारी करोड़ों की जमीन गिफ्ट कर देगा। तो देखिए, CBI ने तो पुख्ता प्रमाण के आधार पर यह FIR चार्जशीट फाइल किया, और अभी तो बहुत सारे मामले हैं, ये लैंड फॉर जॉब वाला स्कैम में दर्जनों मामले जिसकी अब तक CBI जांच नहीं कर पाई है। क्योंकि मेरे अनुसार करीब 1300-1400 लोगों को लालू यादव ने नौकरी दी है, और उसमें से कितने लोगों से जमीन लिखवाई, क्या क्या लाभ उठाया, ये तो पूरे जाँच का विषय है। लेकिन कम से कम CBI ने और इतने मामले तो पकड़े हैं जिसमें प्रमाण उनके पास कि जिन लोगों को नौकरी दी गई ग्रुप डी के अंदर गैरकानूनी तरीके से, अवैध तरीके से नौकरी दी गई, और बाद में कुछ दिनों के बाद उनके परिवार के लोगों से जमीन लिखवा ली गई। तो ये तो एकदम प्रूवन और शट केस है, इसमें कोई बच नहीं सकता है। इसमें लालू यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती, हेमा यादव, यद्यपि हेमा यादव पर चार्जशीट फाइल नहीं हुई है, ये तमाम लोग इसके अंदर शामिल हैं। हालांकि सर, ये कोई पहला मामला नहीं है, IRCTC का जो मामला है वो चल ही रहा है, और उसके बाद अब ये जो मामला नया सामने आया, यानी कि जनता के सामने आया, तो एज अ विपक्ष, चूंकि आप लोग अब विपक्ष में हैं, तो इन मुद्दों को किस तरीके से जनता के समक्ष? देखिए, जनता के सामने तो सारी चीजें आई रही है। मेरा तो ये कहना है कि ये सारे मामलों का खुलासा जनता दल यू ने किया, जो आज राजद के साथ मिलकर बिहार में सरकार चला रहे हैं और लालू के समर्थन में खड़े, और अब आरोप लगा रहे हैं कि CBI जानबूझकर कार्रवाई कर रही है। अभी CBI ने PE दाखिल कब की? सितंबर 2021 में, उस समय बिहार में तो NDA की सरकार थी। FIR कब दर्ज किया? जब बिहार में NDA की सरकार थी। तो आपने कागज उपलब्ध कराया, आप CBI को बरा रख कर कागज दे रहे थे, दबाव बना रहे थे कि आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे, और अब जब कार्रवाई हो रही है तो जनता दल यू लालू यादव के समर्थन में खड़ी दिखाई पड़ रही है। तो नीतीश जी किस मुद्दे से अब JP की जयंती मनाने जा रहे हैं? आप JP की जयंती मना रहे हैं जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जिन्होंने लड़ाई लड़ी, और आज आप उन्हीं भ्रष्टाचारियों के साथ मिलकर बिहार में सरकार चला रहे हैं। तो हम जनता के बीच जाएंगे और इन सारे मामलों को एक्सपोज करेंगे, किस तरह से जनता दल यू और RJD जो है ये भ्रष्टाचार को संरक्षण देने का काम कर रही है। लेकिन विपक्ष का हमेशा से ही एक सवाल रहा है, उसका मिसयूज कर रही है सरकार, चाहे कोई भी कहीं भी छापेमारी होती है, ED की हो, CBI की हो, या फिर किसी भी एंगल से कुछ होता है, तो यही आरोप लगते आए हैं केंद्र सरकार से, क्योंकि BJP की सरकार है केंद्र में, क्या कहेंगे? नहीं, उनको तो जवाब देना चाहिए, जो आरोप लगे उसका जवाब देना चाहिए ना। क्या ये सच नहीं है कि बड़ी संख्या में लोगों को रेलवे की नौकरी लालू यादव के कार्यकाल में दी गई और उसके कुछ दिनों के बाद उनसे जमीन लिखवा ली गई? इसका जवाब देना, ये तो प्रमाण के साथ है। जमीन लिखवाई गई कि नहीं लिखवाई गई, सस्ते दाम पर जमीन लिखवाई गई कि नहीं लिखवाई गई, जिन्होंने से लिखवाई गई उनके परिवार के लोगों को रेलवे में नौकरी मिली कि नहीं मिली? तो जो आरोप है उसका पॉइंटेड जवाब दीजिए। तो उसका आज तक ना तो राजद के लोग जवाब दे पाते हैं, ना देते हैं, ना जनता दल यू के लोग, एक ही बात कहते हैं, रटा रटाया कि फंसा दिया, जानबूझकर कार्रवाई की जा रही है। तो आरोप का जवाब दीजिए ना। एक बुक भी सर आपके सामने यहाँ दिख रहा है और आप ही का लिखा हुआ है, लालू लीला, तो क्या इसमें क्या तमाम विषय? नहीं, देखिए, ये जो पुस्तक है लालू यादव के संपत्ति का, मैंने खुलासा किया था 43 प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, और जिसके बाद 2017 में जनता दल यू ने नाता तोड़ दिया था लालू यादव से और BJP के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। तो
तो ये लैंड फॉर स्कैम से लेकर जितने घोटाले हैं आज तक के, इन सारे घोटालों को इस पुस्तक में मैंने लिपिबद्ध किया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस और सारे डॉक्यूमेंट्स का उसमें डाला है। तो ये एक कि ये प्रमाण के साथ है, डॉक्यूमेंट्स के साथ है कि किस तरह से, चाहे वो IRCTC घोटाला हो या लालू का चारा घोटाला हो या लैंड फॉर स्कैम हो, कैसे लालू परिवार ने कम समय में 150 से ज़्यादा संपत्ति के मालिक बन गए। केवल अकेले तेजस्वी यादव 32 साल की उम्र में 52 से ज़्यादा संपत्ति के मालिक हैं। एक 9th फेल जिसने कभी नौकरी नहीं की, बिजनेस नहीं किया, आखिर 52 संपत्ति का मालिक कैसे बन गया, इन तमाम बातों का मैंने दस्तावेज के साथ इस पुस्तक में खुलासा किया है। एक इससे डिफरेंट सवाल है, बीजेपी की जो निकाय चुनाव है उसको स्थगित करने को लेकर क्या कहेंगे सर? नहीं देखिए, हमारी तो एक ही मांग है कि तत्काल निकाय का चुनाव कराया जाए, आरक्षण अति पिछड़ों के जो आरक्षण का प्रावधान है उसको देते हुए तत्काल चुनाव कराया जाए। अब सरकार सुप्रीम कोर्ट जा रही है, सुप्रीम कोर्ट ने ही निर्देश दिया कि आप एक विशेष आयोग का गठन कीजिए जो पिछड़े समाज के पॉलिटिकल रिजर्वेशन के बारे में अध्ययन करके रिपोर्ट दे। आपने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन नहीं किया और जल्दबाजी में चुनाव की घोषणा कर दी, पटना हाईकोर्ट ने रोक लगा दिया और अब आप फिर सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, समय बर्बाद कर रहे हैं। तो बिहार के हजारों लोगों का करोड़ों रुपया बर्बाद हो गया चुनाव स्थगित होने के कारण, इसके लिए कौन जिम्मेवार? नीतीश कुमार जिम्मेवार है, जिन्होंने एडवोकेट जनरल की राय भी नहीं मानी। एडवोकेट जनरल ने भी कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि आप एक ट्रिपल टेस्ट के लिए आयोग बनाइए, लेकिन नीतीश कुमार नहीं माने। तो जो मुख्यमंत्री एडवोकेट जनरल की राय नहीं मानता है, जो मुख्यमंत्री राज्य निर्वाचन आयोग की राय नहीं मानता है और दबाव बनाकर चुनाव करा देता है, तो बिहार के लोगों का जो अरबों खरबों रुपया बर्बाद हो गया चुनाव स्थगित होने के कारण, उसकी भरपाई कौन करेगा? तो इन्हीं सारी बातों को लेकर बीजेपी का एक प्रतिनिधि मंडल राज्यपाल से मिलने गया था कि हमको चुनाव चाहिए लेकिन आरक्षण के साथ चुनाव चाहिए, और ये नीतीश कुमार की जिद का परिणाम है कि बिहार के अति पिछड़े जो है चुनाव के अंदर वंचित हो गए हैं मेयर डिप्टी मेयर बनने से। राज्यपाल जी की तरफ से कोई आश्वासन? नहीं नहीं, राज्यपाल ने सारी बातों को सुनकर कहा कि मैं देखूंगा इसके बारे में, जो उनके अधिकार क्षेत्र में आता है उसके अनुसार मैं कार्रवाई करूंगा।